नोटा यानी नन ऑफ दी अबव के कॉन्टेक्स्ट में दिए गए गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन से सही हैं? नंबर वन, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि नोटा को इलेक्शन में इंक्लूड किया जाए। नंबर टू, नोटा ऑप्शन जो EVM में अवेलेबल होता है उसकी कोई इलेक्टोरल वैल्यू नहीं है। एंड नंबर थ्री, ये ऑप्शन अवेलेबल है राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबली, पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बॉडीज के इलेक्शन में। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट वन और टू करेक्ट है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि नोटा यानी नन ऑफ दी अबव क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं और क्यों इसको टूथलेस ऑप्शन कहा जाता है। नोटा यानी नन ऑफ दी अबव, ये ऑप्शन इंडिया में वोटर्स को प्रोवाइड करवाया गया था 2013 के मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस में। इसमें सिटीजन्स के पास राइट होता है कि वो EVM में दिए हुए कैंडिडेट लिस्ट में से किसी को भी वोट नहीं करना चाहते तो वो नोटा की बटन दबा सकते हैं कि उनकी प्रेफरेंस दिए गए कैंडिडेट में से कोई भी नहीं है। नोटा का ऑप्शन इंडिया में 2013 में आया था PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि नोटा का इंक्लूड किया जाए लोकसभा इलेक्शन में और आने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। तो सबसे पहले इसका यूज असेंबली इलेक्शंस में किया गया था 4 स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली में। नोटा को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का क्या ऑब्जेक्टिव था? जिससे वोटर्स को राइट मिल सके कि वो अगर किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते तो वो अपने राइट टू रिजेक्ट के पावर को यूज कर सकते हैं, जिसमें उनकी सीक्रेसी भी वायलेट नहीं होती। इसमें वोटर एलिजिबल होता है रजिस्टर करने के लिए वोट ऑफ रिजेक्शन अगर उसको लगता है ऊपर दिए हुए सभी कैंडिडेट में से कोई भी डिजर्विंग नहीं है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। राइट टू वोट ग्रांट करता है सभी सिटीजन को कि वो वोट ऑफ डिसअप्रूवल भी दे। नन ऑफ दी अबव यानी नोटा के क्या क्या फीचर्स है? नोटा ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज में और सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शंस में। ये ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ लोकसभा, स्टेट असेंबली, पंचायत और म्यूनसिपल बॉडी के इलेक्शंस में। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटा के प्रोविजन को विड्रॉ कर दिया फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स। और कौन इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज है जो नोटा का ऑप्शन प्रोवाइड कराती है अपने वोटर्स के लिए? जैसे कि कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, बांग्लादेश, फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, चिली, फ्रांस, बेल्जियम एंड ग्रीस। यूनाइटेड स्टेट भी कुछ केसेस में नोटा का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि स्टेट ऑफ टेक्सास में ये परमिट किया गया है सिंस 1975। हाउएवर वहाँ पे इसका ऑपोजिशन भी बहुत हुआ है। आप जानते हैं कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 का सेक्शन 49O क्या था? नोटा से पहले जो था वो था सेक्शन 49O ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल 1961, जिसमें वोटर्स फॉर्म 17A के अंदर अपना इलेक्टोरल सीरियल नंबर डालकर किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ नेगेटिव वोट कास्ट कर सकते थे और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसमें रिमार्क डालकर वोटर से साइन करवा लेता था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया क्योंकि ये वोटर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट नहीं करता था, इसमें कोई सीक्रेसी नहीं, लेकिन इसमें पोल ऑफिशियल्स को एक रीजन पता चल जाता था कि कोई भी वोटर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वोट क्यों नहीं करना। लेकिन नोटा के अंदर वोटर की आइडेंटिटी तो प्रोटेक्ट हो जाती है लेकिन रीजन नहीं पता चल पाता कि उसने नोटा पे ही क्यों दबाया, वो किसी भी कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं करना चाहता। नोटा को इंडिया में टूथलेस ऑप्शन क्यों कहा जाता है या नोटा को नो वोट क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि इसका इलेक्शन के रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इसकी कोई इलेक्टोरल वैल्यू ही नहीं है। इवन इफ ज़्यादा वोट्स नोटा पे भी कास्ट किए जाते हैं उसके बाद भी जीतता वही कैंडिडेट है जिसको सेकेंड नंबर ऑफ हाइएस्ट वोट मिले हो, तो कि नोटा के वोट्स को इनवैलिड या नो वोट्स की तरह ट्रीट किया जाता है।
नोटा एक तरह का डेमोक्रेटिक मीन है जिससे हम अपनी रिसेंटमेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते, rather than boycotting the polls outright. Like this video, share it with your friends. ऐसे बहुत सारे questions के लिए playlist पर क्लिक करें and subscribe to our channel.